सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल चैनल। को और ये बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट जीएसटी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी और सुगम रिटर्न के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, जीएसटी रिटर्न की जो वीडियो सीरीज है उसमें हम लोगों ने 5 वीडियोज में अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था मंथली रिटर्न और उसके एनेक्जर्स वगैरह वगैरह सारे डिस्कस किए थे, और जो जीएसटी का सहज रिटर्न है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग देखेंगे जीएसटी का सुगम रिटर्न क्या है और वो किनको भरना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक ताकि आपको जीएसटी और सुगम से जुड़ी सारी बातों की जानकारी इस वीडियो में मिल सके। लेट स्टार्ट द वीडियो। देख पा रहे हैं आप, ये आपके सामने ओपन है अनेक्जर ऑफ सप्लाईज टू रिटर्न जीएसटीआर सुगम। मैं आपको बता दूं कि जीएसटीआर सुगम जो है वो वैसे डीलर्स के लिए है जिनका रिटर्न ओवर 5 करोड़ से कम है और जो B2C प्लस B2B दोनों तरह की सप्लाईज करते हैं। वैसे डीलर्स जिनका कि 5 करोड़ से कम है टर्न ओवर और सिर्फ कंज्यूमर सेल है उनको जीएसटीआर सहज भरना है। उसकी डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई है, उस वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ऊपर आई बटन में टैग किया हुआ है मैंने। आज हम लोग बात करेंगे जीएसटीआर सुगम। तो ये जो है जीएसटीआर सुगम मेन रिटर्न के लिए ये एनेक्जर है डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज B2C एंड B2B। क्योंकि इसमें B2B भी है इसीलिए इस रिटर्न का एक एनेक्जर अलग से बना दिया गया है। सबसे पहले ये कुछ बेसिक डिटेल्स है, जीएसटी नंबर, फाइनेंशियल ईयर, टैक्स पीरियड, लीगल नेम, ट्रेड नेम वगैरह वगैरह। उसके बाद है Table 3, इसमें मांग रहे हैं ये लोग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन्स, कंज्यूमर्स एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन्स, B2C एंड B2B एंड इनवर्ड सप्लाईज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज। तो वैसे सेल की डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी है जो आपने किया हुआ है, चाहे वो रजिस्टर्ड का हो चाहे वो अनरजिस्टर्ड का हो, और वैसे इनवर्ड सप्लाईज जिसपे रिवर्स चार्ज लागू किया गया है। Table 3A में है सप्लाईज मेड टू कंज्यूमर्स एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन्स, नेट एंड नेट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स को एडजस्ट करने के बाद आपको नेट अमाउंट यहाँ पर डालना है। 3B में है सप्लाईज मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन्स अदर देन दोज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज, नॉर्मल जो सेल होती है रजिस्टर्ड सेल उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी है, ऊपर अनरजिस्टर्ड की डिटेल्स डालनी है। इनवर्ड सप्लाईज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज टू बी रिपोर्टेड बाय रेसिपिएंट जीएसटी वाइज नेट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, यहाँ पे आपको इनवर्ड सप्लाईज की जो है जीएसटी वाइज एंट्री करनी है नेट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स। उसके बाद है Table 4, HSN वाइज समरी ऑफ सप्लाईज डिक्लेयर्ड इन Table 3 4 डिजिट और मोर। इसमें जो है HSN वाइज समरी आपको पुटअप करनी है, मिनिमम डिजिट जो होगा वो होगा 4 डिजिट का और उसमें आपको HSN वाइज समरी यहाँ पे डालनी होगी। मतलब Table 3 में जो भी आप अमाउंट यहाँ पर रिफर करेंगे जिस भी सेक्शन का, चाहे वो कंज्यूमर सेल हो चाहे वो अनरजिस्टर्ड सेल हो चाहे वो रजिस्टर्ड सेल हो चाहे वो इनवर्ड सप्लाईज हो जिसमें रिवर्स चार्ज लागू होता है, उसकी भी HSN वाइज समरी आपको एट अ मिनिमम ऑफ 4 डिजिट लेवल आपको यहाँ पे पुटअप करनी है। इसमें सीरियल नंबर है, टाइप ऑफ सप्लाई है, HSN कोड है, UPC है, क्वांटिटी है, टैक्स रेट है, टैक्सेबल वैल्यू है एंड टैक्स अमाउंट है। ये हो गया एनेक्जर। उसके बाद एक वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन को सबमिट करके आप एनेक्जर अपनी फाइल कर सकते हैं। इस एनेक्जर के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शन एक बार पढ़ते हैं हम लोग। द डिटेल्स इन द एनेक्जर शैल बी अपलोडेड बिफोर फाइलिंग रिटर्न ऑफ अ टैक्स पीरियड। मतलब ये एनेक्जर जो है ये पहले अपलोड करने हैं किसी भी पहले, मतलब अब आपको रिटर्न भी फाइल करनी है और साथ साथ एनेक्जर भी फाइल करनी है। Details of invoices relating to outward supplies made to registered person can be uploaded anytime during the quarter. अब जो ये इसमें B2B का जो कॉलम है, कॉलम नंबर 3B, उसको उसमें आप invoices जो है कभी भी अपलोड कर सकते हैं, किसी भी क्वार्टर के किसी भी टाइम पे अपलोड कर सकते हैं। Supplies other than those made to consumers and unregistered persons and registered persons cannot be made through these annexures. अब इसमें अगर supplies other than those made to consumers and unregistered persons, मतलब इन दोनों के अलावा B2C या B2B के अलावा कुछ और अगर सेल है तो आप इस एनेक्जर को यूज नहीं कर सकते, आपको उसके लिए मंथली रिटर्न का यूज करना पड़ेगा। नॉर्मल एनेक्जर शैल बी यूज्ड फॉर रिपोर्टिंग सप्लाईज अदर देन दोज मेड टू कंज्यूमर्स एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड रजिस्टर्ड पर्सन, दिस एनेक्जर विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड इन दीज केसेस, आपको उसके लिए नॉर्मल एनेक्जर जो है वो फाइल करना होगा। डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स रिलेटिंग टू सप्लाईज मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाईज कैन ऑल्सो बी रिपोर्टेड इन दीज एनेक्जर्स। डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स की जो रिपोर्टिंग है वो भी आपको इस एनेक्जर के यूज में ही करना है। रिपोर्टिंग ऑफ HSN कोड एट लीस्ट ऑफ 4 डिजिट लेवल विल बी मैंडेटरी, मतलब HSN कोड जो है वो मिनिमम जो होगा एट अ लेवल ऑफ 4 डिजिट आपको देना है एनेक्जर के अंदर
जीएसटीआर सुगम के लिए। तो ये हो गया हम लोगों का अनेक्जर। उस अनेक्जर के बेसिस पे ये जो मेन रिटर्न है फॉर्म जीएसटीआर सुगम रिटर्न ऑफ सप्लाईज मेड बी टू बी एंड बी टू सी, ये आपका ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होगा। कुछ फील्ड ऑटोमेटिकली आएंगे और वो एडिटेबल भी होंगे। इसमें भी कुछ बेसिक फील्ड दिए गए हैं। उसके बाद है टेबल नंबर 3, इसमें ये लोग मांग रहे हैं समरी ऑफ सप्लाईज मेड एंड टैक्स लाइबिलिटी, जो आपने सप्लाईज करा है और जो टैक्स लाइबिलिटी है उसकी डिटेल्स। सबसे पहला है टैक्सेबल सप्लाईज मेड टू कंज्यूमर एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन नेट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपके अनेक्जर के अमाउंट से। टैक्सेबल सप्लाईज मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन दोज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज बी टू बी, ये भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे ही आप अनेक्जर बनाएंगे ये रिटर्न में अपने आप अमाउंट आ जाएगा। इनवर्ड सप्लाईज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज नेट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, ये भी ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होगा एज पर द अनेक्जर। एडजस्टमेंट अगर कुछ है आपकी लाइबिलिटीज में, कोई भी एडजस्टमेंट है तो वो यूजर इनपुट करके दिया गया है, ये आपको मैनुअली फीड करना है। ये सब कर लेने के बाद आपके पास यहाँ पर सब टोटल आ जाएगा टैक्सेबल वैल्यू एंड टैक्स लाइबिलिटी। उसके बाद दूसरा कॉलम है समरी ऑफ इनवर्ड सप्लाईज फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो हो गया लाइबिलिटी का। अब दूसरा पार्ट हो गया इनपुट टैक्स क्रेडिट का। इसमें है इनवर्ड सप्लाईज अदर देन दोज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज, वैसे इनवर्ड सप्लाईज जिसपे की रिवर्स चार्ज नहीं लागू होता है मतलब नॉर्मल परचेज, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर डाल देनी है जो कि अनेक्जर में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। अनेक्जर भरेंगे ये वाला कॉलम भी अपने आप ऑटोमेटिकली बन जाएगा। डेबिट नोट्स रिसीव फ्रॉम सप्लायर, अगर आपके सप्लायर ने कुछ डेबिट नोट्स इशू किए हैं तो वो भी ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा अनेक्जर के माध्यम से। इनवर्ड सप्लाईज रिजेक्टेड बाय द रेसिपिएंट, अगर कोई इनवर्ड सप्लाईज है जो कि रेसिपिएंट ने रिजेक्ट कर दिया है तो उसकी डिटेल्स भी आपके पास यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएंगी और यहाँ पर एडिटेबल होगा। अगर वो आपको लगता है कि नहीं रिजेक्ट नहीं होना चाहिए था तो आप उसको एडिट कर पाएंगे। क्रेडिट नोट्स रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर्स अदर देन दोज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज ओनली, वैसे क्रेडिट नोट्स जो कि सप्लायर्स से दिए गए हैं और जिसपे की रिवर्स चार्ज नहीं लगता है वैसे क्रेडिट नोट्स की एंट्री आपको इस टेबल में करनी है। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम्ड अर्लियर, अगर आपने पिछले महीने में या पिछले टैक्स पीरियड में कुछ ऑलरेडी क्लेम किया हुआ इनपुट टैक्स क्रेडिट तो उस इनवॉइसेस की एंट्री अब आपको यहाँ पर नहीं करनी है, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर पुटअप करनी है। के बाद है रिवर्सल एंड एडजस्टमेंट्स रूल 37, 39, 42 एंड 40। के बाद है रिवर्सल एंड एडजस्टमेंट्स रूल 37, 39, 42 एंड 43। जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो रिवर्सल करना है वो हम लोगों को मैन्युअली करना है, तो इसलिए ये यूजर इनपुट दिया हुआ है। मैन्युअली कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना है जो भी आपके एज पर रूल बनता है। इफेक्ट्स ऑफ अमेंडमेंट्स व्हेन एन इनवॉइस इज रॉन्गली बुक्ड दिस इज रेलेवेंट फॉर करेक्शन, द रिसिपिएंट वुड रिजेक्ट द रॉन्ग इनवॉइस आईटीसी इफेक्ट देन वुड कम हियर एंड देयर आफ्टर अमेंडमेंट ऑफ इनवॉइस विल बी अलाउड बाय द सप्लायर। अगर कोई इनवॉइसेस गलत हो चुकी है अगर आप उसको अमेंड करना चाहते हैं सबसे पहले अमेंडमेंट का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो इफेक्ट है वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करवाना है, उसके बाद ही सप्लायर जो है अपने रिटर्न को अमेंड कर पाएगा। और उसके बाद ये आपके पास आ जाएगा नेट आईटीसी अवेलेबल, उसके बाद आपके पास नेट आईटीसी अवेलेबल का ऑप्शन दे दिया जाएगा। यहाँ ऊपर लाइबिलिटी हो गई, नीचे नेट आईटीसी अवेलेबल हो गई। उसके बाद आपको इंटरेस्ट एंड लेट फी की डिटेल्स डिक्लेयर करनी है। इंटरेस्ट एंड लेट फी ड्यू टू लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न इंक्लूडिंग लेट रिपोर्टिंग ऑफ इनवॉइसेस ऑफ प्रीवियस टैक्स पीरियड्स including on excess ITC availed or short liability stated in month 1 or 2 of the quarter to be computed by the system. So interest or late fee jo hai wo system automatically calculate karega based on your excess ITC you claimed or short payment of tax. ye aapke quarter basis pe aapki calculation karega aur system automatically interest or late fee calculate karega. any other interest agar iske alawa koi bhi interest hai to wo aapko khud ba khud calculate karke yahan par amount fill up karna hai. ये सब कर लेने के बाद आएगा ऑप्शन पेमेंट ऑफ टैक्स का। लायबिलिटी डिटरमाइन हो गई, क्रेडिट डिटरमाइन हो गया और जो इंटरेस्ट एंड लायबिलिटी इंटरेस्ट एंड लेट फी लायबिलिटी है वो भी निकल चुकी है। अब सब कुछ एडजस्ट करने के बाद आपको पेमेंट ऑफ टैक्स करना है। तो टैक्स पेबल के लिए रिवर्स चार्ज का कितना पेमेंट करना है अदर देन रिवर्स चार्ज का क्या पेमेंट है और टैक्स ऑलरेडी जो आपने पे किया हुआ है उसका अमाउंट यहाँ पर रिफ्लेक्ट करना है। एडजस्टमेंट ऑफ नेगेटिव लायबिलिटी, अगर आपकी कोई नेगेटिव लायबिलिटी है जो कि एडजस्ट होनी है तो वो आपको यहाँ पे पुटअप करना है और उसके बाद जो बैलेंस बच जाएगा उसको आप या तो आईटीसी के थ्रू यूज कर सकते हैं या फिर आप कैश के माध्यम से भी उसको पे आउट कर सकते हैं। तो ये जो है जीएसटीआर सुगम रिटर्न क्वार्टरली होने वाला है जिनका कि टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम का है।
और इसमें जो है आपको रिटर्न्स पेमेंट टैक्स पेमेंट्स हर महीने करनी है और रिटर्न आपको क्वार्टरली सबमिट करना है। उसके भी कुछ इंस्ट्रक्शंस है, कॉमन इंस्ट्रक्शंस है जो कि हम लोगों ने एनर्जर्स के लिए पढ़े थे, सिमिलर इंस्ट्रक्शंस यहाँ भी दिए गए हैं। तो ये आपका हो गया GSTR सुगम का। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वार्टरली रिटर्न जो कि मेन रिटर्न फॉर्मेट है। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जो है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से लगता है कि बेनिफिट मिलेगा लोगों को तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मेरे को बताएं कि आपने नया आज क्या सीखा इस वीडियो से। और अगर आपको कोई भी इस तरीके की क्वेरीज है न्यू रिटर्न फॉर्मेट से तो भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उस चीज का आपका सॉल्यूशन दे पाऊं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूले ताकि आने वाली जो लेटेस्ट GST वीडियोस है वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।